रस्ते बारे दसो जी की। हाँ रस्ता जी महाराज आदमी मर जाता नहीं गाँव में लुगाई लुगाई बिन ट्राली में घर गिर जाता भी पता तो जानता को नहीं तो पानी चढ़ गयो। गरीब अमीर एक कर दिया। अब जमीन तुम्हारी चगे चाला को नहीं जो खानो पीनो खवा नहीं वो बराबर कर दियो बने। अब यहाँ कौन केस का को मैं 100 किला जमीन है जी क्यों वो टट्टी और पानी सारा ही पी गया बाटा हूँ। हाँ मोटा मोटा लोग पी गया हमारा 50-50 किला रहा सारा ही पी गया टट्टी पानी बराबर हो गया। मैं समस्या ये कोई 4-5 साल हो गए होनी आने लग गई है समस्या। पहला पानी साफ करता सी आ केनी तमा भी राम कुमार जी नहीं मैं इज न लगा मैं अंग परिवार ही मान ले आईगा मैं इन लगा मैं अंग बाप दादा मान ले गए हैठ ए जा अंग अंकल जी अंग पिताजी अंग दादाजी मान ले आईगा मैं मन अति रोण कौन दिया आज मैं जी गम में रोवा मैं गम में रोवा जी वेखना पहला वेख्या केड़ा पढ़े लिखे है केड़ा अफसर ना गल कर सकता है केड़ा डीएसपी ना गल कर सकता है किने मसला जैसे जा मसला है वो जी अफसर ना गल करनी है वो जी लीडर ना गल करनी है ते इत्थे बैठे हल होवे ओ तो वड्डी और कोई चीज़ नहीं। बाकी दोस्तों सब तो पहला मैं दस दें कि जिहड़ा पिंड हैगा वो हिंदी भाषी है इस करके आप हिंदी च गलबात करांगे ते जाणांगे भी राम कुमार जी का विजन की हैगा ते इस बार इन्हां ने ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਕਾ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਚਲੇ ਔਰ ਆਜ ਆਪਕੋ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਗਾਉਂ ਕੋ ਅੱਛੀ ਬਲੀਬਾਂਤੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋ ਗਾਉਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਜੋ ਆਪ इन 5 सालों में समस्या जो गांव में उभर के आई है वो नशे की है जी। गांव में आज 15 साल का बच्चा भी नशा कर रहा है। सिंथेटिक नशा गांव में बहुत बिक रहा है ठीक है और उससे पूरी पब्लिक गांव की परेशान है ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यही लग रहा है अभी एक तो नशा नशे के कारण जो गांव में चोरी ये वारदातें बढ़ी है किसी की मोटर उठा ली किसी का कोई संद उठा लिया ठीक है और ये देखो समस्याएं उभर के सामने अच्छा, आ रही है। गांव में भी शहर जैसा माहौल है बिल्कुल, कि नशे के चोरियां हो रही हैं ठीक है नशे के कारण हो रही हैं ठीक है। इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा ठीक है जी। तो क्या लगता है आपको कि कहां कमी कहां है कि गांव के लोग गांव में तो वैसे काम बहुत ज्यादा होता है और गांव के लोग इन चीजों से दूर भी बहुत होते हैं तो कहां कमी लग रही है कि जो नौजवान है वो नशे की तरफ दौड़ रहे हैं। देखो सबसे जो बड़ी समस्या होती है ना वो क्या है कि भय वगैरह प्रीत नहीं होती जी। जब गांव में किसी का भय नहीं होगा तो फिर नशा खुला बिकेगा ठीक है। और जो टीनेज होती है बच्चों की जी। जैसे बुराई की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं बच्चे जी। और उनको रोका नहीं जाए शिक्षित नहीं किया जाए बच्चों को जैसे मेरी एक इच्छा है भी स्कूल में जैसे मेरे हाई स्कूल है जी। तो स्कूल में 1 सप्ताह में 2 घंटे मैं खुद क्लास लिया करूंगा मेरी एक ये पर्सनल सोच है ठीक है। तो बच्चों को शिक्षित करना जी भी नशों से दूर रहो और इस पे समाज का क्या असर पड़ रहा है बाकी को कैंप वगैरह लगा के और उस पे सख्ताई करके गांव को पूरे गांव का सहयोग लेके ठीक है। मेरे अकेले से तो कुछ नहीं हो पाएगा पूरे गांव का और प्रशासन का सहयोग लेके कोशिश क्या मैं ये तो वादा ही करूंगा गांव से कि ये नशा मुक्त गांव बना दूंगा ठीक है। और कौन सी समस्या नशे के चलो नशा एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है आज के नौजवानों के बीच में बेरोजगारी और शिक्षा को लेके वो कौन सी समस्या है जी जो गांव के बीच में है। मेरे गांव में ये जो पूरे एरिए में गर्ल स्कूल मेरे गांव में ही है ठीक है। पहले ये मिडिल था ठीक है और डॉक्टर राम कुमार जी जब MLA बने तो उनकी कोशिशों से ये हाई स्कूल बना ठीक है और बाद में ये अपग्रेड नहीं हो पाया तो आज बच्चियां जो है वो कलर खेड़ा या मोजगढ़ पढ़ने के लिए जा रही है ठीक है और उन समस्या भी आ रही है देखो माहौल खराब है बिल्कुल और नशेड़ी लोग तो ये आम घरों से ये शिकायत आ रही है भी स्कूल ये अपग्रेड हो जाए तो हमारी बच्चियां दूर ना जाना पड़े ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्कूल का अपग्रेड कराने का प्रशासन से जैसे भी डिमांड करके ये 2-3 महीने में मैं काम करवा लूँ ठीक है। तो कितने गांव हैं जिनके बीच में ये स्कूल आपका स्कूल पड़ता है जो अपग्रेड हो सकता है। ये मेरा बंगर अचड़ की मेरा गांव जो बड़े गांव है अच्छा इनमें है नहीं इतना ना नहीं है नहीं ठीक है जी। और ब्लॉक में ये पूरे ब्लॉक में गर्ल्स स्कूल एक ही है ठीक है। आपकी कोशिश रहेगी मेरी कोशिश नहीं मैं कराऊंगा ठीक है।
और बात करें कि गांव के बीच में पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, क्या ये समस्या है क्या नहीं है? सीवरेज सिस्टम तो अभी चालू नहीं हुआ गांव में, ठीक है। पानी की समस्या है, ठीक है। पानी जैसे नहर से सीधा आया, ना कोई फिल्टर है, ना कोई सफाई है, ना इसमें कोई पहले फिटकरी वगैरह हमारे टाइम में डालते थे, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे और प्रॉपर फिल्टर होके पानी जाता था। इन 5 सालों में सीधा पानी टैंकों से उठाया, नहर से आया, सीधा पानी उठाया और गांव में बाल्टियों में, घरों में जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं नल से, इतना इतना मतलब रेता जम जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो समस्या पानी, पीने के पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है गांव में, ठीक है। और अपनी प्राथमिकता यही होगी कि अगर मेरे सरपंच बनने के बाद हर घर तक पानी पहुंच जाएगा और साफ पानी, स्वच्छ पानी, ठीक है। और ये विद इन 10 दिन के अंदर अंदर मैं काम कर लूंगा, ठीक है। नहीं, नहर का पानी अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सीधा जा रहा है तो कैंसर के मरीज भी यहाँ बढ़ गए, कैंसर के मरीज बढ़े हैं, हेपेटाइटिस सी के मरीज बढ़े हैं, कैंसर के मरीज बढ़े हैं, शुगर गांव में आम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गलियों की, नालियों की, छप्पड़ की, तो इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जो विकास कब से नहीं हुआ इन चीजों का? विकास अधूरा ही पड़ा है भाई साहब, 5 सालों में नहीं हुआ विकास। जो सेंटर से आरडीएफ के तहत जो ग्रांटें आई, जो टाइल्स वगैरह ये इंटरलॉक लगी है, वो तो मोदी सरकार की स्कीम है, ठीक है। सेंटर से आरडीएफ का पैसा आता है, मनरेगा के तहत पैसा आता है, वो ही लगा है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ग्रांट मतलब लड़ झगड़ के लानी होती है, सरपंच लड़ झगड़ के ग्रांट लेके आता है, ठीक है। वो कोशिश नहीं हुई। जैसे नाले बने हैं यहाँ पे, एक नाला बना हुआ है वाटर वर्क्स के साथ में, पहले मेरे टाइम में मैंने पाइप डाल रखी थी, ठीक है। और अब ओपन वो नाली करके उसके साथ में एक नाला बनाया हुआ है, ठीक है। तो बरसात के दिनों में वो नाले वाला पानी, वो नाले वाला निकासी तो है नहीं, और वो नाले वाला पानी सारा वाटर वर्क्स में आता है, वो गंदगी भी हमने पी है 5 साल, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो नाली की समस्या वो हम दूर करेंगे। दूसरा, जैसे सफाई नहीं होती, ठीक है। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि वर्करों से सफाई ना करा के जो जैसे टैंकर है, वो जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, वो एक गांव में अपना बना लेंगे गांव के सहयोग से, सुपर सेक्शन हो गया, हाँ जी। तो उससे हम खींच के और वो सारी गंदगी बाहर ले जाने का काम हम करेंगे, ठीक है जी। और छप्पड़ की बात करें तो आपका पानी छप्पड़ में जाता होगा पूरे गांव का, कि क्या उसकी स्थिति ठीक है? पहले हमारे जो गांव का गंदा पानी था वो एक अलग से जाता था, ठीक है। अब जो पशुओं के लिए, हमारे गांव में इस एरिया में सबसे बड़ा छप्पड़ मेरे गांव में ही है, ठीक है। और उस छप्पड़ की नहरी पानी उसमें आता है, लेकिन वो खाल टूटा हुआ है, वो डैमेज ही हो गया, ठीक है। तो पिछले 5 सालों से नहर का पानी छप्पड़ में नहीं आ रहा, गांव वाला जो गंदा पानी है वही जा रहा है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है मोदी सरकार ने, ठीक है। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और छप्पड़ का बुरा हाल है। अब खैर, पशु जैसे जैसे ये मतलब लोग गाँव में भी पशु कम कर रहे हैं, अवेयर हो गए, तो उसको एक झीलनुमा बना के एक बढ़िया, उसको मतलब उसके लिए बढ़िया पैसा ला के और बढ़िया एक उसको बनाएंगे, ठीक है। और जैसे वाटर बस का हाल है हमारे, तो पहले हमारे यहाँ फूल और अच्छे घास, सुबह सुबह लोग टहलने आते थे, ठीक है। और अब तो यहाँ गौएं फिर रही हैं, कुत्ते गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। देख रेख नहीं है, ये सब सारा काम ये करने वाला है, करेंगे बिल्कुल। तो वाटर वर्क्स की बात करी आपने, तो पंजाब सरकार का एक पत्रे वाला के बीच में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जी जी, कि जिसके तहत 107 गांवों को पानी मिलना है, हाँ जी। क्या उसकी पाइप आप तक पहुंची है? हाँ, पाइप पहुंच गई है और वाटर वर्क्स के अंदर छोटे छोटे 2 प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए हैं, लेकिन वो पानी अभी शुरू नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अभी इतनी दूर से पानी आएगा, उसका फ्लो कितना होगा, तो क्या गाँव को पानी उतना मिल पाएगा साफ पानी? उनकी देखो, अब वो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा अभी उससे पूरा हो जाएगा पानी, क्योंकि अब अलग से पाइपें थोड़ी डल जाएंगी, इन्हीं पाइपों से पानी देना पड़ेगा, तो वो मुझे नहीं लग रहा अभी उससे हमारे उस प्रोजेक्ट से हमारे गांव में पानी पूरा हो जाएगा। तो गांव का पानी गांव में ही पूरा करेंगे, इन ये फिल्टर लगे हैं हमारे, इन फिल्टरों से सफाई करके और फिर पानी गांव का पूरा करेंगे। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या मेरे गांव में 4400 वोट है जी, ठीक है। और करीब 8000 की जनसंख्या है गांव की, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ और सरकार द्वारा प्रयास किए गए कि जैसे मनरेगा हो गया और साथ लाइब्रेरी होगी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कि आजकल एजुकेशन के लिए चाहिए, या इस तरह के कुछ सेंटर बने हैं या नहीं बने हैं, या हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पर? नहीं है, नहीं, हेल्थ सेंटर मेरे 2008 में मैं जब सरपंच पहली बार बना तो मैंने
लोगों से वायदा किया भी बनते ही मैं यहाँ डिस्पेंसरी बना दूंगा, तो डिस्पेंसरी तो मैं लेके आ गया था और वो बन गई और वो जो हेल्थ वर्कर है वो यहाँ पर बैठते भी है, लेकिन कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बैठता और कोई बड़ा सेंटर नहीं है, हमें गंगानगर या बोर ही अगर मेजर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहीं जाना पड़ता है। ठीक है, और वो समस्या भी है। ठीक है, जैसे गरीब आदमी है, रात को अगर कोई बच्चे के अगर प्रेगनेंसी है और वो डिलीवरी केस है तो बाकर शहर की तरफ जाना पड़ता है, तो कोशिश करेंगे भी है कि एमबीबीएस डॉक्टर गांव में बैठ जाए। ठीक है, बात अस्पताल की चली है, इतना बड़ा गांव है, इतने बड़ा गांव है तो इसके बीच में पशु भी बहुत होंगे। हाँ, दूध पशु, हाँ, तो क्या वेटनरी डॉक्टर है यहाँ पर? नहीं, कोई वेटनरी का नहीं, कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं, 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये भी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, पशुओं वाली एक बड़ी समस्या है और कोशिश करेंगे भी ये भी समस्या दूर कर लेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा, मेरी देखो जान पहचान ऊपर तक सही है सारी, हर लोगों से। ठीक है, और सेंटर में सरकार है, मैं कोशिश करूंगा भी किसी सेंटर के बड़े मिनिस्टर को अपना गांव अडॉप्ट करवाने की मैं सोचूंगा ये, और मैं कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो क्या सपना क्या है? ये इतने तो सपने हैं, आपको लगता है भी इतने टेन्योर के बीच में ये सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं, मैंने आगे भी सपने पूरे किए। ठीक है जी, मैंने आगे भी, पहले गाँव में बहुत गंदगी हुआ करती थी। ठीक है, और चोरियां भी होती थी। ठीक है, मेरे टाइम में 5 साल में मेरा रिकॉर्ड है, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड आप 2008 से 2013 तक देख लो जाके, मतलब पंचायती मसले हल हो जाते हैं बिल्कुल, या ना पंचायत पुलिस आएगी, वो मैंने करके दिखाया है और गांव वालों को विश्वास है, तो इतनी जनता मेरे साथ आज लगी हुई है। ठीक है, और मेरी सलाह नहीं थी भी अब की बार मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा कोई मन नहीं था, गांव घर में 500 आदमी आके बैठ के, गांव की हर जाति से, हर बिरादरी से और हर धर्म के लोग आए भी, गांव का नाश हो रहा है और तू खड़ा हो तो गांव ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उनके अनुरोध पे मैंने ये फॉर्म भरा है और इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं, मेरा इलेक्शन नहीं, ये गांव का इलेक्शन है। ठीक है जी, तो आप तो बातों बातों में आपने बता दिया कि पूरा गांव आपके साथ में है, तो बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को भी ये बता दीजिए, गांव भी आपको देख रहा है, कि आपको चुनाव निशान क्या मिला चाहिए? मेरा चुनाव निशान यही है, दरखत। ठीक है, रुख है, एक रुख 100 सुख। क्या बात है जी, तो फिर तो आप रुख भी बहुत लगाएंगे जी? बिल्कुल, रुख का ये मुझे शौक भी है और मैं लगाऊंगा भी, कोशिश करूंगा भी गांव में हर गली और हर घर के आगे एक रुख लगे, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है जी, गांव के बीच में कितनी गलियां हैं और कहां कहां विकास होने वाला है जी? ओवरऑल तो पूरा गांव देखो इंटरलॉक लगी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, पर जो गंदगी की जो है ना वो है पूरे गांव में, सफाई नहीं हो रही। दो हमारे जो कलरखेड़ा के दो रस्ते हैं, एक तो गौशाला के आगे से होके जाता है, एक हनुमान जी मंदिर के साथ से निकलता है। ठीक है, अब थोड़ी बरसात हुई तो वो रस्ते दोनों ब्लॉक हो गए, तो हमें मोजगढ़ होके फिर गंगानगर जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये समस्या है वो हम दूर कर लेंगे। ठीक है जी, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे गांववासियों को जी? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ये इलेक्शन 5 दिन रहे हैं, सभी कैंडिडेट मेरे भाई है, कोई दूसरा तो आके खड़ा हुआ नहीं, और सभी प्रेम प्यार से इलेक्शन लड़े, एक दूसरे की अफवाहों पर ना आए और प्रेम से ज्यादा वोटिंग करें और प्रेम से काम करें, सारा जो कुछ है वो प्रेम से ही हल होगा, और हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी से, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि वो अपना जी दावेदारी कर सकता है। बिल्कुल, तो यही मेरा संदेश है गांव को। राम कुमार जी, आप ये बताइएगा कि गांव के बीच में नरेगा की स्थिति कैसी है? नरेगा की स्थिति फिलहाल में ठीक नहीं है। ठीक है, नरेगा की कुछ लोगों को जो करवा रहे हैं उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको तो ज्यादा दिन मिल रहे हैं जी। और कुछ बेचारे जिनकी नहीं पहुंच है, अप्रोच नहीं है, वो लोगों वो लोग घर पे बैठे हैं, उनको साल में कोई 10 दिन काम मिल गया, ये स्थिति चल रही है। और मैंने एक बात और भी सुनी आजकल कि जैसे नरेगा की जो सरकारी दिहाड़ी है उसके वो पूरी नहीं मिल रही, किसी को 200 मिल रहा है, किसी को 150 मिल रहा है, ये मैंने सुनी है गांव में। तो हम बिना किसी भेदभाव नरेगा चलाएंगे, बिल्कुल बिना भेदभाव के चलाएंगे और सभी को काम देंगे, पूरे जितने नरेगा के लोग हैं उनको बराबर काम दिया जाएगा। ठीक है, आपने बात करी थी गांव के बीच में नशा बहुत है, तो युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं आप? जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के लिए मैंने एक सोच रखा है, मेरे दिमाग में एक प्लान है कि मैं जो ये प्लेग्राउंड है इसमें एक तो हर साल जैसे
जनवरी का महीना जैसे गांव से बैठ कर डिस्कस करेंगे कि जनवरी या फरवरी के महीने में एक सप्ताह वो खेलों के लिए हम मनाएंगे, उसमें क्रिकेट का जैसे वॉलीबॉल है प्रतियोगिताएं हम कराएंगे और बड़े स्तर पर हम प्रतियोगिताएं कराएंगे, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ठीक है, ग्राउंड के हालात कैसे? वैसे ग्राउंड के हालात मौके पे बढ़िया है, जो कमेटी है जो बच्चे हैं क्रिकेट वाले वो अपने खर्चे से उस ग्राउंड को ठीक कर रखे है। ठीक है, सरकार से हमें कोई या पंचायत से कोई सहयोग उन बच्चों को नहीं मिला। ठीक है, एक बात आपने बड़ी खास कही थी कि आपके टाइम के बीच में कभी गांव के बीच में पुलिस नहीं आई और आप वादा करते हैं कि अब भी पुलिस नहीं आएगी, लेकिन बीच में जो टेन्योर था 2008 से लेके 2024 के बीच में जो टेन्योर रहा, इस दौरान सुना गया है कि यहाँ पर कुछ नाजायज पर्चे हुए हैं या नाजायज कार्रवाई हुई है, तो उनके मैटर आपने सॉर्ट आउट करवाए या सॉर्ट आउट करवाने में कैसा योगदान देंगे? देखो भाई साहब, मैंने कोशिश की है जिससे सरपंच चाहे कोई हो, मेरे घर पे डेली पंचायत होती है, गांव के जितने मर्जी सरपंच था चिन्ना, लेकिन एक गांव का नागरिक होने के कारण मेरा ये फर्ज भी बनता है, लोग मेरे पास आते भी हैं। मैंने कोशिश ये की है गांव के मसले गांव में ठीक हो जाए, और हुए भी हैं, और मेरे सरपंच बनने के बाद में तो फिर ये मतलब ही नहीं है कि गांव का मसला बाहर चला जाए। ठीक है, और एक मैं दावे से कहता हूँ भी मेरे इतने रिलेशंस बने हुए हैं कि गांव के किसी आदमी को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, भी आज उस मंत्री के पास चलो या एमएलए के पास चलो, गांव के काम जो है वो गांव में ही सुलझा लिए जाएंगे। ठीक है, जी कितना ही बड़ा काम, इवन के किसी बदली का काम हो, कोई मतलब छोटे मोटे काम पड़ते रहते हैं प्रशासन से, वो काम मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, वो इतनी मेरी सिस्टम है मेरे पास। गांव के बीच में बड़ी अच्छी गौशाला बनी हुई है और यहाँ ये गांव तीज त्यौहार मनाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, तो क्या इस बार भी चलता रहेगा कि उसी तरह से तीज त्यौहार मनाए जाएंगे? त्यौहार पे पहले हमारे जैसे पहले सिस्टम होता था पुराने टाइम में, चौधरी बलवंत जी के टाइम में जब वो सरपंच हुआ करते थे, तो बहुत अच्छे से हम होली दिवाली हमारे बागड़ियों में गनगौर का त्यौहार है तो बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे, लेकिन इन 10 सालों में 15 सालों में ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो त्यौहार है उनको ढंग से, जैसे होली हम इकट्ठे बैठ के मनाएं, दिवाली पे एक दूसरे से मतलब अच्छे तरीके से मनाएं, और गनगौर का वो जैसे पहले होता था हमारे वैसे दोबारा सिस्टम हम शुरू करेंगे। एक भाई साहब हमारे पुरानी धरोहर है, गाँव के कुएँ हैं जैसे। ठीक है, कितने कुएं जी? दो कुएं थे, एक तो बिल्कुल खत्म ही हो गया उसमें, एक अभी थोड़ा खंडर पड़ा है उसका। ठीक है, तो वो चीजें सुंदर लगती है, वो मेरी एक प्राथमिकता रहेगी, मैं उस गांव की जो वो ऐतिहासिक धरोहर है उसको मैं ठीक से वैसा का वैसा बना लूं, और वो बहुत जल्द मैं ये मेरी पंचायत बनते काम मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है, देखो बुढ़ापा पेंशन कई लोग 65 साल के हो चुके हैं, और कुछ विधवा जो लेडीज है उनकी भी पेंशन नहीं अभी तक लगी है, तो हर वार्ड में मेरे मेंबर सर्वे करके जो नई पेंशन है वो मैं पहल के आधार पे जल्दी से जल्दी लगवा ही लूंगा। ठीक, और एक गांव को बहुत अच्छा, खैर मैं अभी नहीं बताऊंगा मेरे अंदर क्या दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्कुल वो 5 साल बाद जब मिलेंगे तो फिर आपको बताऊंगा, अभी जब गांव में आओगे आप तो फिर मैं बताऊंगा अभी। बिल्कुल, हम लोग आज भी रिकॉर्ड करेंगे और 5 साल बाद भी फिर आपके रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, खुदा ने चाहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम और भी गांव के बीच में जाएंगे और जो सरपंच पद के चुनाव जो लड़ रहे हैं उनसे बातचीत करते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि उनका विजन क्या है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? सावराम। सावराम जी, इस वक्त राम कुमार जी इलेक्शन के बीच में खड़े हुए हैं। हाँ जी। तो आपने इनका पहले भी टाइम देखा है जब ये सरपंच रहे थे, हाँ जी, इस बार कैसे लग रहा है आपको? पहली बार अच्छे रहे थे, अच्छा काम किया था, अभी अच्छा करेंगे आगे। ठीक है जी, क्या कुछ किया था? सारा काम किया जी, सारो काम करी जी, पहला जी मान लियो कोई गरीब गुरुआ के तकलीफ है कोई फैसला तो करी, मैंने थाने तुशना कौन जान दिया। ठीक है, अट घरे बैठे कर दिया हमारा काम जी। ठीक है जी, और अभी आगे मैंने लगा है बिसोई जी मन सी सब मतलब बिसोई काम करा जी बढ़िया। ठीक है, और बेटियों के लिए बहुत बढ़िया जी, गांव खातर बहुत ही बढ़िया जी। ठीक है, गांव खातर तो बहुत ही बढ़िया जी। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? महावीर है जी। महावीर जी, गांव के बीच में राम कुमार जी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? पहला देखियो जी, जो सरपंच हो जी चोरी चारी गांव में बंद होगी होनी। ठीक है जी, जदू और बन गया
बाद में चोरिया कोई खेतों में मोटर ए छड़ा बड़ा कडन लग गया काम का ही छोरा ठीक है जी। तो बंगी जे मान लो अब मदद करे तो माड़ी है ठीक है जी। तो मैं तो कहा भी रामकार ही बनना की है तो चोरी वाली है आजकल छोर छंडा नशो करे ठीक है जी। तो आप आ बात है राम कुमार मैं तो कहा वही बनना की सरपंच बनते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हल हो जाएंगी। समस्या आई हो सी एक तो चोरी वाली जी एक जिया अड्डा के ऊपर जब ए हा सरपंच बीटे में मान लो ए राउंड लगा लेता जी तो आऊ संको शर्म मानता छोरा जी आ बात है ठीक है। मैं तो कहूँ दरखत वो निशान है आने वोट दियो ठीक है सर। लाभ सिंह माहू जी लाभ सिंह जी किवें लगता है भी राम कुमार जी इस बार फिर तो चोन मैदान च हैगी है तो केड़िया समस्या पिंड दी हैगी ने ते केड़िया हल होंगी उम्मीदा। सब तो पहला तो थोड़े सोशल मीडिया का इतने आने बहुत बहुत धन्यवाद जी तुम इतने आके मतलब पिंड के हालात बारे जा समस्याओं बारे लोगों तो पूछे तो थोड़े राही हर पिंड च हर हल्के च हर लोग तक हर वोटर तक यह आवाज़ पहुँचूगी कि हर पिंड इस तरह ही विकास होना चाहिए। जो राम कुमार जी सरपंच सिगे उदों कितना विकास होया सी ते जे हुण जो सरपंच जी दुबारा खड़े हुए तो हुण की उम्मीद है। देखो जी विकास की तो यह दाई है ठीक है जी विकास की तो यह दाई है 50 साल तो 45 साल तो मेरा नाल ये सर्कल है ठीक है जी ते ईमानदारी ते जो भी काम निश्चय जो मन च कर लिया वो करना तय दिलो करना ईमानदारी ने करना ते जिदे जिन्हों नाल ला लिया चाहे जो भी नाल लग गया उन्होंने कभी पिट नहीं विखाई ठीक है। ठीक है आप दे कदे किसी नु ए नहीं कहा भी गड्डी साढ़े तेल पाओ जा मैं फोन बंद करना जा कोई काम रात नु 12 बज गए तां जे दिन से पैता जे मीह है तां नेरी है तां हर वक्त हर बंदे दे नाल हर वर्कर दे नाल पार्टी बाजी तो उत्ते उठ के ए नहीं मतलब यो दूसरी पार्टी दा आ गया मतलब यो दा नहीं करना हर एक नू मतलब गल ला के उदा मसला सोल्व कीता ते पिंड च कीता ठीक है। बड़ी वड्डी गल सुनन नू मिली कि इस पिंड च कदे जदों सरपंच सीगे उदों कदे पुलिस नहीं आई। पुलिस तां मतलब बस पहुंचदे अज भी नहीं आउंदी इन्हां दा ही हैगा जो मतलब सिस्टम है प्रभाव है जी प्रभाव है ठीक है। पुलिस तां अज भी नहीं आउंदी ठीक है। मसले सारे पिंड च हल हो जांदे मसले पिंड च हल हुंदे आ बाहर भी किते बंदा बैठा है किते भी अजमाइश दे तौर ते मतलब हिंदुस्तान दे विच किसे कोने ते बैठा है उन्हूं काम पै गया तां इत्थे बैठा बैठा हल हुंदा है पिंड दे तां हर बंदा करदा ही है ठीक है। हाँ जी पिंड वासियां नूं की अपील करना चाहोगे। पिंड वासियां नूं मैं तां इह अपील करना चाहूंगा भी कैंडिडेट पिंड दे विच 6 खड़े होए है सारे ही चंगे है सारे ही मन्ने है ठीक है जो जिन्हें फार्म भरिया है जां जो जिहदा चिन्ह आया सब भी जितने लैके चलता ठीक है। पर यह आपां वेखना है पहलां वेख्या है किहड़ा पढ़िया लिख्या है किहड़ा अफसर नाल गल कर सकता है किहड़ा डीएसपी नाल गल कर सकता है किने मसला जिहा जिहा मसला है उह जिहे अफसर नाल गल करनी है उह जिहे लीडर नाल गल करनी है ते इत्थे बैठे हल होवे उहदों वड्डी होर कोई चीज़ नहीं। बाकी उह काम ये सरपंच ही कर सकता है राम कौर मन्निया जी ते होर किसे बंदे वास्ता काम नहीं ठीक है। बस तो जी महाराज आदमी मर जाता नहीं गांव में लुगाई लुगाई बिन ट्राली में घर गिर जाता भी पगंत जाता को नहीं तो पानी चढ़ गयो और मैं आने के गाँव गाने में को थे पीसा गुआ लियो गाँव ये 100 रुपया करके रही ने ऊंचो कर लिया पा कहीं गौरी कौन करी गाँव गए सिर्फ वोटा खाता जानतल फेरा किए मुँह गाँव अरे एक मारा बाडो उसमें नहीं कुया को पानी आ गया टट्टी को पानी अरे एक लूंगा आड़ मैंने क्या कहा मैं फिल्टर करके पीऊ मुँह तो टट्टी को क्या फिल्टर कर लिया तू टट्टी को क्या फिल्टर हुआ है कहो जे है और की लगता है राम कुमार जी खड़े हुए ये बात ना बात कहना रहा है हर अंग तो बड़े हूँ लोग है नहीं बड़े हूँ करा पर कोई लोग है देखा मैं वोट कौन दिया ना दियो हर तो जीता को मैं कश्मीर लाल जी ठीक है जी दानक साहब की कहना चाहूंगे मैं आ कहना चाहवा भी राम कुमार जी है नी मैं ई जनड़ा गा मैं अंग परिवार ही मान ले आई गा मैं जनड़ा गा मैं अंग बाप दादा मान ले गए ऐठे ए जा अंग अंकल जी अंग पिताजी अंग दादाजी मन लिया मैं मन अति रोन को आज मैं जी गमे रोवा मैं गमे रोवा जी ए ए खातर रोवा भी मारो मुकान हो जाए तो इन्हें अमर खातर कौन जान दे जी
है? क्यों नहीं जान देते? कौन जान दे तो पानी है और चीजा को विकास को नहीं ला दो। हाँ जी 400 आदमी ई गांव का तारीखा बुक दे जी ए हूं तक तो एक तारीख को बुक देता कि नहीं। मैं आना बना के खुश हाँ जो भी है मारी अरे ये बीमारी है अरे बात मैं ये सुनता ये बात ना मैं कहनी चाहवा जे ये सरपंच बन जाए आऊ पहला मारो दानक समाज को एक ओरिजिनल मेंबर रहा सरपंच रहा बादर सरपंच जी बा आंग सागे मारी मदद करी मैं बंग सागे आंग सागे खुश हाँ रहेगी अब रेन कौन दे मन जिया करो अंग इस ए एक दे भी मैं खड़े को नहीं हुआ जे कौन करा तो ना कर दीवाना लगता जीतन गए अन जिता दिया तो जिता ही दिया ठीक है मैं तो जिता दिया। की नाम है? मेरा नाम इंद्रराज है जी। काम जंड वाला है जी। समस्या पानी की है जी कोई गऊ ने और ने भेटा ने माने पानी कौन मिले जी अच्छो कोई अच्छो मारो पड़े वही चका दिया जी गार में फिर भेट पानी पिया कोनी नहीं। हाँ जी हाँ जी मैं रेड तरह पुरानो समस्या ये कोई 4-5 साल हो गए होनी आने लगी है समस्या पहला पानी साफ करता सी नहीं हो टाइम। हाँ जी 4-5 साल हो गया साडा कोई माल का कोई हाल नहीं है नालियाँ पानी पीदी है जा कोई नहर से लिया नहर से नहर से कोई सुविधा नहीं है कोई घाट कूट कुछ नहीं है जी लगता है उम्मीद करो सानू उम्मीद तो है जी एक चप्पड़ साडा पेड़ा वास्ते या गऊं वास्ते अच्छा पानी कर दो